हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गर्मी से राहत देने वाली मसाला छाछ बनाने की विधि समझाती हूँ। ये छाछ बहुत ही टेस्टी लगती है और डाइजेशन को सही रखती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक कटोरी दही घर पे ही जमा लिया है और उसको इस तरीके से केवल 2 या 3 चम्मच ही अपन ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया के बाद थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करूंगी, थोड़ा सा काला नमक। आप दोनों नमकों का यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद नमक भी कर सकते हैं और काला नमक भी कर सकते हैं। काला नमक यदि आप डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगेगी ये छाछ पीने में। और थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा भुना धनिया। आप इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप तीखा पसंद नहीं हो तो प्लीज़ मत डालिएगा आप इसमें। और मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ, मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। इस तरीके से आपको ग्राइंड करना है। एंड फिर मैं उसके बाद ये जो मैंने पूरी कटोरी में जो दही जमाया था उसको पूरा मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने पूरा ऐड कर दिया है इसको। फिर हम एक बार और इसको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इस तरीके से अपन इसको चलाएंगे और चख के देख लेंगे कि अपना नमक इसमें सही है। मुझे इसमें कम लग रहा है, आप इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड और करेंगे और आप इसमें सफ़ेद नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप दोनों नमकों का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सफ़ेद नमक और ऐड कर दिया है और इस तरीके से आप इसको चलाइए जिससे अपना नमक पूरी तरीके से चल जाए। फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्लास में डालकर थोड़ा सा इसमें मैं भुना जीरा ऐड करूंगी और थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये आपको मसालेबाजी छाछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी छाछ है आपको कैसी लगी। थैंक यू।